पाकिस्तान और क्या भगवान, क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान। पति और जगत पति का बड़ा अनोखा नाता, खेत पति और जगत पति का बड़ा अनोखा नाता। एक है अन्नदाता धरती का और एक है निर्माता, एक है भक्ति एक है शक्ति, एक है भक्ति एक है शक्ति, दोनों ही बलवान भाई। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान। एक है नर तो एक नारायण, दोनों करते भलाई। एक वामन है एक विराट है, दोनों ही भाई भाई। जहां पे दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, वहीं पे है कल्याण भाई। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान, अपनी जगह दोनों है महान। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ओए पहुंच गया पंडित। हाँ। कभी तो पीछा छोड़ दिया करा। मैं तो पीछा छोड़ दूं, पर वो ठाकुर पीछा छोड़े तब ना। चाची ने देख लिया तो लोटे से भी जाएगा, जल्दी कर। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गो, इतना तो ठाकुर ही गटक जाएंगे। मेरा भाग ले, अपना भाग भी ले ले। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गोविंदम। ओए तेरा ठाकुर दूध पीकर तगड़ा वगड़ा हुआ या नहीं? मुस्तंड हो रहा है। धर्म की बात है, भज गोविंदम। ओए पंडित, ठाकुर कुछ काम वाम भी करता है या नहीं? सभी काम ठाकुर ही करते हैं, तभी तो बेफिक्रा होकर चक्कर काटता रहता हूँ। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गोविंदम। धन्ने के चाचा, कालू और लाली के ब्याह की बात धन्ने को बताई है नहीं? फिर बखर जंतर। बता दूंगा। चलो धन्ने, खेत पर चलें। चलो। लो, आज से दूध भी सूखने लगा। ये है बहू के पांव का प्रताप, कलेक्शन। ए पंडित, चके गिनवाता है पूरे और देता है चरणामत। उलट लोटा उलट। क्यों पोल का ढोल ढमढमाता है? खरी मजूरी चोखा काम, ले दे। अब की खेती अच्छी है धन्ना, अनाज की कमी नहीं होगी। चाचा, इस बंजर को भी क्यों ना जोत बो दे, अनाज दुगना हो जाएगा। मरना है क्या? क्यों चाचा, बखर जंतर है,
पीढ़ियों से बड़े बूढ़े इस बंजर को खेत बनाने के लिए अपने लहू पसीने से सींचते आए, न जाने कितने हल पावड़े तोड़कर और कई बार कुआं सुखाकर प्रलोक को भी सिधार गए, पर ये खेत नहीं बन सका धन्ना। ये तो सोचा ही नहीं। सोचना भी नहीं, बखर जंतर हो जाएगा, इसमें कभी किसी से खेती हो ही नहीं सकती। चल आनंद आता है ना? करूं भी क्या लाली, जब तेरे यहाँ आने का मौसी का बहाना करता हूँ तो पिताजी भड़क उठते हैं, कहने लगते हैं क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या काम है, तेरे मौसी ने तेरे कान आंगन में गाड़ कर रखी है क्या? खैर ये तो चलता ही रहेगा। ये देख तेरे लिए क्या लाया हूं, चोटी कंगी काजल बिंदी। बस 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 बस, चाची ने देख लिया तो खोपड़ी चूर चूर कर देगी। लाली तेरे लिए खोपड़ी फुड़वाना भी मंजूर है। चल। अरे सयाना मत बन, अभी ये सब अपने पास रख ले। तो फिर ऐसा करता हूँ, ये चोटी मैं बांध लेता हूँ, ये बिंदिया और काजल मैं लगा लेता हूँ, कैसा रहेगा? घाटी में नहीं रहेगा। रासलीला में जब गोपियों का पाठ लड़के करते हैं तो न जाने उन पर कितनी लड़कियां मर जाती हैं। हाँ चंद कहीं की ललित। अरे अरे छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, छोड़ो। चाची क्यों रे लाली, इतनी बड़ी बछड़ी हो गई पर नरक बुद्धि नहीं गई, घोड़े पे चढ़ के क्या कर रही थी? चाची चाची चाची, हाँ कबूतर उड़ा रही थी, कबूतर। चाची चाची कबूतर उड़ा रही थी, कबूतर। अरे मुझे बनाती है, मैं भी अपने दिनों में तेरे चाचा के साथ ये खेल बहुत खेल चुकी हूँ। यूँ क्यों नहीं कहती कि वो कबूतर सामू था जिससे चोंच लड़ा रही थी? मैंने तुझसे हजार बार कह दिया कि तेरे साथ कालू के ब्याह का वचन दे दिया है और तू सामू से मिलकर मेरी छाती पे मुंह कर रही है। मार मार के फिर चुप कर बना है, जा मार मार के मैं तेरा खुदा बना दूंगी कमीनी। चाची जवान लड़की पर हाथ उठाना ठीक नहीं चाची। अरे चाची को उपदेश देने के पहले लाली को क्यों नहीं समझाती बहू कि सामू के साथ भीगा मस्ती करना छोड़ दे। अरे बचपन की बात और थी, अब देखना कन्ना छू रही है, ये हाथ पीले करने वाली हूँ कालू के साथ। चाची अब लाली नन्ही मुन्नी नहीं, फिर मन का मेल भी तो। लो सुन लो सियाने की बात है, अरे ब्याह के पहले तेरा और धन्ना का मन मेल हुआ था तो आज इस घराने में नया चलन चलाने आई है कुलच्छनी। तू करे करे क्या झूम रही है, क्या ले जाइए रोटियां दे आ खेत पर। और हाँ कालू से कहना देर भर पेड़े लेता है ताजा खुआ के तो न मारे। हाँ ए कालू मल मिठाई वाले, देर भर पेड़े ताजा खुआ के गर्मा गर्म, हाँ डंडी मत मारना, चाची ने कहा है घर पर दे आना। चाची सब तेरे की, सब गुड़ गोबर कर दिया। लाली ओ लाली 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 ओ मेरी लाली, अरे सुन तो सही ओ मेरी लाली। लाली क्या है? तुझे पान की लाली कहूँ, मेहंदी की लाली कहूँ या गुलाबी, अरे कालू के जीवन में ये लाली कब रचेगी ये तो बता दे। बता दू रचा दू लाली, इसके लिए तो तरस रहा हूँ। अरे अपने होने वाले पति को मारती है, पति को मारना पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। परीक्षा लिए बिना पति बनाना भी लड़की के लिए अच्छा नहीं। तो कर ली परीक्षा, ले मुंह मीठा कर ले। मेरा मुंह कड़वा नहीं है,
अरे तेरी ऐसी कड़वाहट पर तो कालू मरता है मतवाली। जल्दी मर, मैं लकड़ियां ले आती हूँ तुझे फूकने के लिए। अरे बेदर्दी, तेरी आंखों में क्या कम आग है, ले मुंह खोल और कर ले बोहनी। आके करती हूँ बोहनी, ठहर जा। पक्का? पक्का। लाली। भैया। क्या? भैया, कालू मेरे पीछे पड़ा है, ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे। जैसे क्या? जैसे मैं उसकी होने वाली। अच्छा, कहाँ है? वहां खड़ा मेरा रास्ता देख रहा है। हाँ, मैं उसे रास्ता दिखाता हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ओए कालू, तूने लाली को छेड़ा? मैंने अपने होने वाली बहू को छेड़ा। बहू के बच्चे? मर गया रे। हाय राम, क्या हुआ रे? अरे बुआ, तू तो कह के रह गई लाली को हाथ में ले ले। पटाले, अरे पटाले में पिटाई हो गई मेरी। किसने मारा रे? अरे धन्ना ने। धन्ना ने? आज ही आर पार किए देखे। आने दे धन्ना को। मर गया। धन्ना, तूने कालू को मारा? एक ही झापड़ दिया चाची। एक चाय आधा, हाथ ही क्यों उठाया? लाली को छेड़ा। छेड़े चाहे पाँव पड़े, वो लाली का होने वाला दूल्हा है, उसे मारने वाला तू कौन? लाली का भाई। तो मैं भी लाली की चाची हूँ धन्ना। सुन ले, मैंने लाली का ब्याह कालू के साथ पक्का कर दिया है। लाली का ब्याह सबकी सलाह से होगा। बराबर, इसमें मकर जंतर नहीं चलेगा। तुम चुप रहो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ, मुझे किसी की सलाह वाला नहीं चाहिए। वचन दे दिया सो दे दिया। चाची, तुम मेरी और लाली की माँ ही है, लाली के सुख के लिए ये वचन तोड़ दे। क्या कहा, वचन तोड़ दूं? हाय राम, न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो मेरी कोख में आग लग गई। इस जन्म में वचन तोड़ दूं तो अगले जन्म में क्या भोगना पड़े कौन जाने राम। कालू और लाली का ब्याह बस एक साध है मेरी। ये साध नहीं, श्राद्ध है चाची, लाली के सुख का श्राद्ध। मुंह बंद कर धन्ना। धन्ने की चाची। तुम चुप रहो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। बोल धन्ना, लाली का हाथ कालू के हाथ में देने को तैयार है या नहीं? मेरे लिए लाली का सुख ही सब कुछ है। तो हो जा तैयार दुख भोगने को, आज का आज ही बंटवारा कर दूंगी। बंटवारा? आज का आज ही बंटवारा। फिर देखती हूँ किसके बल पे बंदरिया नाचती है, कौन तेरे पीछे क्या लुटाता है, कैसे लाली का ब्याह होता है। उठो जी, तुम पंचों को बुला कर लाओ, मैं पंडित को बुला कर लाती हूँ। हाँ, खरी मजूरी चोखा काम, बस पूनम के पूनम, सवा सात सेर आटा, सवा पांच सेर चावल, सवा तीन सेर घी और सवा टका नगद, बाकी दूध दही गुड़ तरकारी अपनी इच्छा से, धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। पंडित जी, पर बहू की गोद तो? हाँ हाँ, चार छह महीने में ही बहू के पांव भारी देखेगी, धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। आओ आओ धन्ने की चाची, आओ, धर्म की बात है। भज गोविंदम, भज गोविंदम। आज ठाकुर कुछ अधिक प्रसन्न देखते हैं जो तेरे हाथ से। आज मैं धन्ने से बंटवारा करने जा रही हूँ। बंटवारा? हाँ बंटवारा, इसलिए कि लाली का ब्याह कालू से करने के लिए धन्ना लाचार हो जाए। पंचों को बुलवाया है, पर मेरी ओर से तो तुम ही सब कुछ हो।
ऐसा पैतरा दो कि धन्ने को बंजर छोड़कर बित्ता भर भी न मिले। अरे धन्ने की चाची, त्रिलोचन पंडित के पैतरे बड़े बड़े पंचों को चित करके छोड़े, पर तू तो कुछ खरी मजूरी चोखा काम। पर धन्ने को बंजर ही मिले। हाँ पंच अच्छी तरह से समझ गए हैं किस किस रोड़े में कौन कौन सा भाग है। अब पंच जिसे कहें उसे पहले बुलाया जाए। पहले बड़े का अधिकार है, इसलिए घसीटा राम जी को बुलाया जाए। ठीक, आओ घसीटा राम जी, उठाओ रोड़े। आया जी। तुम चुप बैठो जी, हुक्का गुड़गुड़ाओ। अभी अभी तो कह रहे थे सिर चकरा रहा है, दीवार से टकराते टकराते बचे और चल पड़े रोड़ा उठाने। लो इसे कस के बांध लो, रोड़ा मैं उठा लेती हूँ। हाँ घसीटा जी को कोई आपत्ति न हो तो उनकी धर्मपत्नी रोड़े उठा सकती है, पंच कहे तो। हाँ, बेरोक टोक उठा सकती है। ठहरो ठहरो ठहरो, आ भाई धन्ने, तू भी देख ले अच्छी तरह। आ उठाओ। लो जी बंटवारा हो गया, अब सुनो किसके भाग में क्या मिला। उपजाऊ खेत के साथ रंका और बंका बैलों की जोड़ी घसीटा राम के भाग में, धन्ना के भाग में बंजर और हीरा मोती बैलों की जोड़ी, एक घर दो गाय घसीटा राम, एक घर एक पोटरी धन्ना, बाकी सब कुछ आधा आधा। ले भाई धन्ना अंगूठा दे। वाह त्रिलोचन पंडित, पीछे की बात आगे से ही पत्थर पर कैसे लिख रखी थी, काल ज्ञानी दिखे। अरे त्रिलोचन पंडित की ज्योतिष विद्या तीसरी आंख है, होने वाली बात को पहले ही देख लेती है। धन्ना के भाग में बंजर ही लिखा था, धर्म की बात है भज गोविंदम। पंचों के सामने मैं अपनी ओर से धन्ना को एक गाय देता हूँ। हाँ हाँ दे दो दे दो, और भी जो कुछ लुटाना हो लुटा दो, और आप जाकर गंगा घाट में दान दक्षिणा मांगो, भीख मांगो भीख, और भीख मांग कर पेट भरो, बड़े आए राजा हरिश्चंद्र। हाँ धर्म की बात है भज गोविंदम। ए जी सुनो तो, बंजर उधर नहीं इधर है। ओए ओए ओए, ये तो भूल ही गया, सोचा ही नहीं। आओ ला। इस बंजर में क्या होगा, कैसे होगा? बावली जोतेंगे बोएंगे तो सब होगा। लोग कहते हैं ये बंजर कभी खेत नहीं बन सकता। पीढ़ियों से बड़े बूढ़े इस बंजर को खेत बनाने के लिए अपने लहू पसीने से सींचते आए, न जाने कितने हल फावड़े तोड़कर और कई बार कुआं सुखाकर परलोक को भी सिधार गए, पर ये खेत नहीं बन सका। धन्ने मैं चाचा से कहता हूँ उपजाऊ खेत में से आधा हमें दे दे। कैसे कह सकते हो, जब बंटवारा हो गया दुनिया के सामने अंगूठा दे दिया। ओए ओए ओए, ये तो सोचा ही नहीं। ए दुनिया तुझको ठेंगा, दुनिया तुझको ठेंगा, इस संसार की चिंता कौन करे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बेकार की चिंता कौन करे कौन करे। ऐ दुनिया तुझको ठेंगा, मेहनत की
लगन ही सच्ची है, बाकी सब माथा पच्ची है। मेहनत की लगन ही सच्ची है, बाकी सब माथा पच्ची है। जब तक ताकत है हाथों में, जब तक ताकत है हाथों में, मझधार की चिंता कौन करे कौन करे। ऐ दुनिया तुझको ठेंगा, उन्हीं को मानते हैं जो जान पे खेल न जानते हैं। हम वीर उन्हीं को मानते हैं जो जान पे खेल न जानते हैं। मैदान में जब हम आ ही गए, मैदान में जब हम आ ही गए, तलवार की चिंता कौन करे कौन करे। ऐ दुनिया तुझको ठेंगा, हम आज बड़े ही रंग में है, हीरा मोती भी संग में है। हम आज बड़े ही रंग में है, हीरा मोती भी संग में है। अरे पाकर ऐसे साथी, पाकर ऐसे साथी, औरों के प्यार की चिंता कौन करे कौन करे। ऐ दुनिया तुझको ठेंगा। हावड़ा टूट गया? हाँ। हावड़े से काम नहीं चलेगा भैया, तुम और भाभी रोटी खाओ, मैं हल चलाती हूँ, ये लो। तू क्या हल चलाएगी, बच्ची है। बच्ची हूँ पर किसान की। लो। तू मन कच्चा मत कर कालू, तेरी बुआ का निशाना पक्का होता है। ये बंटवारा धन्ने को दाने दाने के लिए तरसाएगा, और वो नाक रगड़ कर लाली का हाथ तेरे हाथ में दे के रहेगा। तब तक मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। देखो किसान की बच्ची, टूट गया ना हल। भैया मैं क्या करूं, ये पत्थर रहने दो, कल पहले पुरवट चलाएंगे फिर हल चलेगा। हाँ आज हीरा मोती को खिलाफ लाकर तैयार कर ले, चलो।
मोती क्या हो तुझे हा? खाता नहीं रे, चल खाता नहीं रे। मोती क्या हो तुझे, ये घास क्यों? मोती 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 भैया क्या हुआ? मोती माँ, मोती चल बसा लाली, मोती चल बसा। मोती मर गया? मोती अरे मोती मर गया तो तुम्हें किस बात का दुख है? बंटवारे के बाद कोई मरे या जिए, हमें इससे क्या? तुम चुप बैठो जी और हुक्का गुड़गुड़ाओ ऐसे। हीरा मोती दोनों मेरे दो हाथ थे, आज एक हाथ टूट गया। लाली ये सब दुख मेरे ही कारण तेरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है, इससे तो अच्छा अपने कलेजे पर पत्थर रख ले और मुझे भूल कर कालू से शादी। श्यामू, श्यामू कल शहर जा रहा है ना, वहां संख्या की पुड़ी नहीं लाती है, ला देना मेरे लिए। लाली ऐसा कभी ना सोचना। बताओ तो उस कन्या का नाम क्या है जिसे तुम चाहते हो? प्रेमलता। और तुम्हारा? प्रेमचंद। सोने में सुहागा, जैसे डाली से लता लिपटती है वैसे ही वो कन्या तुम्हारे गले से लिपट कर रहेगी, पर मोहिनी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। जाप के लिए कुछ खरी मजूरी चोखा काम। पर पंडित जी, शुभ काम में शंका नहीं बेटे, विश्वासम फलदायकम, 4-6 महीने के अंदर ही दूल्हे के माथे पर मोर बंधेगा। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। अरे प्रेमचंद तुम यो पंडित जी का काम था कोई धन्ना का काम? अच्छा अच्छा पंडित, ओए पंडित, पंडित ओए पंडित। हाँ हाँ भीतर क्या कर रहा है? स्नान करा रहा हूँ ठाकुर को। वो क्यों मारना चाहता है ठंडी में ठाकुर को? सर्दी बैठ गई तो रोता फिरेगा। वो हंसता क्यों है, बाहर तो आ। भोग लगा रहा हूँ ठाकुर को फिर आता हूँ। अरे दूध लाया हूँ ठाकुर के लिए, ले ला, ले ले। छी 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 छी, कमार का कमार, जूतियां पहन के ठाकुर के घर में। ओए ये तो भूल गया, ले उतार दी। अब बता ठाकुर को। फिर वही जाट वाली बात, बता दिया ना ठाकुर भोजन कर रहे हैं। छिपे छिपे? हाँ भाई धन्य, सबके सामने नहीं खाते। लाज लगती है? नजर लगती है नजर। ओए पंडित तब तो तेरा ठाकुर छुई मुई लगता है। चल तो बातें ही कर लेने दे, बोलता तो है ना। सबके साथ नहीं और भोजन के बाद तो किस। कितना विद्वान बच्चा है, कल्याण हो। नमस्कार महाराज। सदा सुखी रहो, जा मगर जरा संभल के, इस गुफा में एक भूत का निवास है। भूत? परंतु घबराने की कोई बात नहीं, जब तुम्हारे साथ ये युवक है तो क्या चिंता है, जा। Thank you.
धीरे कहाँ तक चले हाय धीरे कहाँ तक चले जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में उनको मिला रास्ता धीरे चलाओ कभी न आए कोई दूसरा धीरे चलाओ जरा धीरे चलाओ जरा मुकद्दर की गाड़ी पे हम दो अनाड़ी ये है नया रास्ता धीरे कहाँ तक चले हाय हाय धीरे कहाँ तक चले सफर प्यारा प्यारा है मौसम का इशारा यहाँ न रुकना जहाँ भी तू कहेगा जहाँ भी ले चलेगा चलूंगी संग तेरे तो मेरे सजना धीरे कहाँ तक चले हाय हाय धीरे कहाँ तक चले जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में उनको मिला रास्ता धीरे चलाओ जरा धीरे चलाओ जरा मुकद्दर की गाड़ी पे हम दो अनाड़ी ये है नया रास्ता धीरे कहाँ तक चले हाय हाय धीरे कहाँ तक चले जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में उनको मिला रास्ता धीरे चलाओ जरा हाय धीरे कहाँ तक चले हाय हाय धीरे चलाओ जरा हाय धीरे कहाँ तक चले हाय हाय से नहीं बोलते झट लंबी तान के सो जाते मैं ठाकुर को सहन करा दूं। ओए पंडित तू भी लंबी चौड़ी हांकता ही रहेगा या दिखाएगा भी अपने ठाकुर को अभी नहीं सांझ को आ जाइयो फिर ठाकुर ने लंबी तान ली तो नहीं नहीं तू नहीं आएगा तब तक मैं ठाकुर को सहन नहीं कराऊंगा जा धर्म की बात है भज गोविंदम Thank you.
देखूं। ओए, तेरे पाँव ना टेढ़े ना भद्दे ना चपटे, सीधे सीधे गोरे चट्टे सुंदर है भगवान। दूसरे पाँव भी है। तुम्हारा नाम तो भोली राम जी रखना था। क्यों? पाँव की बनावट नहीं लक्षण देखते हैं। ओए लक्षण वक्षण ना मैं जानता ना मानता। जो देखते हो वो तो मानते हो ना। मेरे आते ही बंटवारा हो गया, मोती मर गया, बंटवारे में मिली थी तो बंजर धरती। भैया पूरा दिन बीत गया, कट्ठे भर सिंचाई भी नहीं हो पाई, सारा पानी गड्ढे में बैठा, ना जाने कौन पी जाता है। सभी काम ठाकुर ही करते हैं, तभी तो बेफिक्रा होकर चक्कर काटता रहता हूँ। तुम दोनों जाकर रोटी वोटी बनाओ, मैं पंडित का ठाकुर देखकर आता हूँ। डींग हांकता रहता है ना कि उसका सारा काम ठाकुर ही करता है। वो तो डींग हाकेगा ही, उसे कहाँ पसीना बहाना पड़ता है। पर आई अंटी में हाथ मांग मांग के पेट भरना, वो देखने में अपना क्या जाता है भगवान। ठाकुर अपने काम का होगा तो मांग लाऊंगा। ठाकुर पंडित मेरा रास्ता देख रहे होंगे। चलो ओए पंडित। गोविंदम 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 गोविंदम। धन्ना ये क्या, अरे जूतियां लेके ठाकुर के घर में। ओए पंडित तेरा एक मुंह है या दो, तूने ही तो कहा था जूतियां पहन कर यहाँ नहीं आना। पर हाथ में लाने को किसने कहा था, धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ये तो सोचा ही नहीं, भज गोविंदम भज गोविंदम भूल गया भज गोविंदम। पंडित हाँ दिखाता है ठाकुर कहाँ है। यही तो है। पत्थर पत्थर ठाकुर, यही तो जादू है ठाकुर का। काम करना हुआ तो बन गए द्वारका नाथ, नहीं तो पत्थर। क्या ओ ठाकुर मेरे साथ चलेगा? अरे कुछ मुंह से तो बोल, मेरा काम करेगा। ओए पंडित द्वारका नाथ तो अंगूठा दिखाता है। अरे वो तो दिखाएंगे ही, नहीं तो जिसका मन चाहे वही ले जाए काम कराने को। बड़े टेढ़े हैं ठाकुर, यूं ही काम नहीं करते, पहले इनका काम करना पड़ता है। हाँ, नान कराना, भोग लगाना, सहन कराना, पटा पटा के रखना पड़ता है ठाकुर को। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गोविंदम। सब करूंगा पंडित, तू तो जानता है धरती बंजर, मैं अकेला, बैल एक, फिर भी एड़ी चोटी का पसीना एक करने में पीछे नहीं हटता। पर लाली का बोझा मेरे सर पर है, उसके हाथ जल्दी से पीले कर दूं, इसलिए एक साथी चाहिए। तुम मुझे अपना ठाकुर दे दे। ओए अटक कहां गया पंडित, कोई खटका हो तो मोल तोल कर ले मेरी गाय से। गाय से? हाँ मेरी गाय ले ले और अपना ठाकुर दे दे। पर भाई धन्ना कैसे दे दूं, ये मेरी पूजा के ठाकुर हैं, तेरे साथ पटेगा नहीं। ओए पटा लूंगा, तू दे तो। अच्छा अच्छा कल ले जाइयो। अच्छा पर हाँ हाँ गाय लेता आऊंगा। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गोविंदम। खरी मजूरी चोखा काम, उस सपाट बुद्धि जाट से गला छुड़ा त्रिलोचन। पंडित 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 मर गया आधम का धन्ना। अरे बाप रे। पंडित ओ पंडित चल धन्ना आया। दिन दहाड़े सोता है क्या? आया धन्ने आया।
पंडित आ गए लाट बांध दे। अच्छा बांध दिया ले। अब लाट ठाकुर धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ठाकुर तकड़ा दिखता है पंडित। तेरा काम कराने के लिए रात बहुत खिलाया पिलाया है। अच्छा धन्य ध्यान रखना ठाकुर का। इनका काम बराबर करना। ठाकुर ओ ठाकुर मेरा काम करेगा ना। ठाकुर मनमौजी होते हैं धन्य। किसी कारण काम वाम नहीं किया तो मुझे कुछ न कहना। नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा नहीं कहूंगा। धर्म की बात है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। क्षमा करना ठाकुर जी धन्ना से पीछा छुड़ाने के लिए आपको छुपाना पड़ा। भला आपने प्रभु को कैसे उस उधर जाट के हाथ दे देता। ओए भगवान ए लाली। लो आ गया ठाकुर। मटका भर के पानी ला ठाकुर को स्नान करना है। तांग झांग मत कर भगवान। पराये पुरुष को घूम घूर कर देखना ठीक नहीं। जाओ पानी लाओ। जान पड़ता है कि पंडित ने गाय हत्याने के लिए भैया पे कोई उल्टा टेढ़ा मंत्र पड़ा है। हाँ भोले राम को कौन समझाए कैसे कही। ओए ठाकुर ये है अपना घर अब यही रहना होगा। हाँ रोटियां भी दोनों के लिए लाना। जा जल्दी ले आ। अरे जादूगर स्नान करा दूं। पंडित तो मक्खी चूस है लोटा भर पानी से ही निपटाता होगा। यहाँ तो पूरा मटका है। और फिर कल से तो पूरे बारी छपक छपक कर स्नान करना। देख भाई जादूगर पंडित का काम तो तुझे अकेले करना पड़ता था। यहाँ हम दोनों मिलकर करेंगे। हाँ ले रोटियां भी आ गई। लो भैया ले आ। आ, अब खा ले छक के। मैं तेरे बाद ही खाऊंगा। बाद में क्यों भैया तुम क्यों भूखे रहोगे। खा लो ना। तुम नहीं खाओगे तो भाभी भी नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगी। तू चल यहाँ से। ठाकुर दूसरे के सामने नहीं खाता नजर लग जाएगी। चल चल भाग। ओए 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 मैं तो भूल ही गया कि तू लजीला है। ले खा ले। मान जाओ ठाकुर आ खा ले। हट मत कर। तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मेरे साथ घर भर भूखा रहेगा। धन्ना ने दो दिन से रोटी नहीं खाई पानी तक नहीं पिया। अरे वो जाट कौन सा भगत है जो उसके हट करने से ठाकुर खाएंगे। मुझे तो लगता है कि धन्ना अपने साथ साथ घर भर को भूखा मारेगा। किवाड़ तो खोलो भैया। चार दिन हो गए रोटी तो खा लो। चार दिन तो क्या जन्म भर नहीं खाऊंगा। ठाकुर नहीं खाएगा तो भाभी अब क्या करें। क्या बताऊं कौन समझाए तुम्हारे भैया कि बेकाम पत्थर पर सिर पटक रहे हैं। चल भाभी चाचा के पास हो सकता है उनकी बात भैया मान ले। चलो चाचा भैया तो हट कर बैठे हैं कि ठाकुर नहीं खाएगा तो जन्म भर नहीं खाएंगे। समझाओ ना भैया को। जब से गैया को देखे पंडित के यहाँ से पत्थर ले आए हैं तब से पानी तक मुंह से नहीं लगाया। जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं और उस पत्थर से खाने की रट लगाए बैठे हैं। पत्थर से रट नहीं लगाएगा तो करेगा क्या। उस बंजर में अपनी हड्डी चमड़ी जला जला कर
हमारे पुरखे चल भी बसे और खेती नहीं हुई, उसका कुछ तो कारण होगा। मुझे तो लगता है धन्ना की खोपड़ी पर बंजरी के भूत प्रेत चढ़ बैठे हैं। नहीं, बंजर में कोई बखर जंतर नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कुछ नहीं। उस पत्थर की पूजा तो पंडित भी किया करता था, उसने तो कभी कोई बड़बड़ नहीं की, न कभी अंजल छोड़ा, उल्टे खा खा के धमतुस्तर हो गया। बुला लो उस भूत उतारने वाले बेतालनाथ को, अभी पता चल जाएगा। ओए ठाकुर, पंडित को गाय देकर काम कराने के लिए तुझे मोल लिया, तू आएगा नहीं, खाएगा नहीं तो काम कैसे होगा? तुझे आना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। भैया भैया! अरे धन्ने, ये क्या बखर जंतर लगा रखा है, किवाड़ तो खोल। अरे धन्ने बाहर तो आ। चांद चांद दम चढ़े, पीपल डोले, प्रेत बोले छप्पड़, सुरेल चोर बसवारी डोले, जाग बेताल के खप्पड़। धन्ने धन्ने बाहरा बाहरा धन्ने बेतालनाथ छात 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 भूत जानने आया है। छात भूत को वशम करूं, पिशाच को पीट के रख दूं, सुरेल की चोटी काटूं, डाकिनी पिशाचनी भूतनी आया एलिया मदान प्रकट हो बाहर आलाज के बच्चे। बाप रे, यहां किसी ने कोई गड़बड़ की तो मार डालूंगा। ये रहा पंडित। ये क्या? छोड़ दो। क्यों पंडित, गाय देखकर मुंह में पानी आ गया? पत्थर देकर दूध पीने चला? अरे भाई, मैंने धन्ना से गाय छीनी थोड़ी, उसको पत्थर नहीं देता तो वो मेरा गला घोटता, दिया तो तुम लोग मेरा सिर फोड़ रहे हो। धर्म की बात है। धर्म की बात तो ये है पंडित कि तू धन्ना को उसकी गाय दे दे और अपना पत्थर ले ले। चलता हूँ चलता हूँ। मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि ठाकुर तेरे बस के नहीं, पर माने तब ना। मैं अभी गाय लाता हूँ, धर्म की बात है। अरे भाई धन्ने, भूल हो गई मेरी, अपनी गाय ले ले और मुझे मेरा ठाकुर दे दे, सारा गांव मेरे पीछे पड़ गया है। नहीं, मैं जाट हूँ, ठान लिया सो ठान लिया, मर जाऊंगा पर ठाकुर नहीं दूंगा। लो सुन लो जाट की बात। चलो, चलो। ठाकुर ये गला खुश। हाँ, श्योर श्योर आगा नाम ये लीजिए। तुम नहीं बाबू दिल के लगाने वाले। Yeah!
दिल दिल के लगाने वाले भैया शामू ये लोग कौन थे? पता नहीं भैया, मैं आप ही के गांव की तरफ आ रहा था कि अचानक रास्ते पे टूट पड़े। अच्छा, पता तो चल ही जाएगा। हाँ बुआ, सब गुड़ गोबर हो गया। धन्ना ने आकर पटड़ा ही फेर दिया, अपना सारा माल भी गया और शामू का बाल भी बांका ना हुआ। ये बात है तो मैं भी अपनी बात की एक ही हूँ कालू, निराश मत। अब देख अपनी बुआ का क्रिया चरित्र क्या करता है। लाओ मुझे तो। वाह ए जी, सुनते हो? एक बात कहूं? मुंह से बात कह, कोहनी क्यों मारती है? आए क्यों ना मारूं? अधेर भले ही हो गए, सिखिया थोड़े गए हैं, मन तो वही है। समझ गया बखड़ जंतर। तुम्हें तो बस सब बखड़ जंतर ही लगता है, कभी तो मेलजोल की बात किया करो। कर ले। करोगे ना? जैसा कहूंगी करूंगा, जैसा मन कहेगा। धन्ना तुम्हारी बात टालेगा नहीं, उसे तुम ही समझाओ ना कि लाली का हाथ कालू के हाथ में दे दे। क्या
बंटवारा किया तब तेरी खोपरी घास चरने गई थी, उसे बंजर दिया तब तेरे मुंह पर नाक नहीं थी। हाय राम, मैंने क्या किया जो तुम भी उलट के आंख दिखा रहे हो? आग लगे पंचों के मुंह को जिन्होंने बंटवारा करवाया। और अरे तू ही पूरी बखड़ जंतर है, अब तेरा त्रिया चरित्र मेरे पास नहीं चलेगा। धन्ना को मैं नहीं समझाऊंगा, अब तो मैं हुक्का ही गुड़गुड़ाऊंगा। हाय हाय, तो मैं किसकी कुंडी खटखटाऊं? तुम्हें छोड़कर मेरा कौन है जिस पर मेरा अधिकार है? आज तक तुम्हारा हुक्का भरा, तुम्हारी सेवा की, उसके बदले में मेरी एक बात तो रख लो। तेरी सेवा ने आज तक मेरा मुंह बंद रखा, मैं बंद ही रखूंगा, खोलूंगा ही नहीं। तो मैं इसी घर में फांसी लगाकर मर जाऊंगी, आग लगाकर भस्म हो जाऊंगी, माता फोड़ के प्राण दे दूंगी। अच्छा होगा, बखड़ जंतर ही मिट जाएगा। हाय हाय, तो मैं तुम्हारे भी आँख की किरकिरी हो गई। ठीक है, मैं जाती हूँ, किसी कुएं तालाब में डूब मरती हूँ। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी। ए गौ माता, तू ही बता, लाली का ब्याह कालू के साथ होगा ना? नहीं, तो फिर किससे होगा? हाँ, शामू से। झूठी, अरे जिसका ठोर न टिकान उसकी बात का क्या प्रमाण? बड़ी आई जोशी की नानी बनके गौ माता से प्रमाण मांगती है, लक्ष्मी पाखंड का खंड खंड करती है, शैतान की काम काटती है। अरे शैतान होगी तू, पाखंडी होगी तू, जो एक एक रोटी के लिए खोटी खोटी बोलती फिरती है। खोटी खरे का भंडा लक्ष्मी फोड़ती है, खरे का भाग्य जोड़ती है, खोटे की कमर तोड़ती है। लक्ष्मी जय जगदम्बे। क्षमा मैया क्षमा क्षमा। गौ माता उसको क्षमा करती है जो इसकी बात मानता है, बोल मानती है? मानती हूँ, मैं मानती हूँ। लाली का ब्याह किससे होगा? कालू से। क्या? नहीं नहीं नहीं, सामू से, सामू से होगा। एक बार नहीं, 100 बार कहती हूँ, सामू से होगा। अरे बन गई बन गई बन गई, हो बन गई बात सजना, पकड़ मेरा हाथ सजना, वो बन गई बात सजना, पकड़ मेरा हाथ सजना, चल कहीं ले चल मेरे यार हो, थोड़ा थोड़ा प्यार करे, ये थोड़ा थोड़ा प्यार करे। अरे सुन 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 सुनिए, ये है शुरुआत सुनिए, फिर है बारात सुनिए, ये है शुरुआत सुनिए, फिर है बारात सुनिए, हो जा मेरी दुल्हन तैयार, हो थोड़ा थोड़ा प्यार करे, ये थोड़ा थोड़ा प्यार करे। चाहे ले चल गुरु,
थोड़ा थोड़ा प्यार करे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार करे। हट गई गोरिये सभी दीवारें, मिले अब खुल खुल के हो, मिले अब खुल खुल के। मेरी मस्त रानी पलट दे जिंदगानी, आ मेरी मस्त रानी पलट दे जिंदगानी। बुलाती है हमको बहार, ओ थोड़ा थोड़ा प्यार करे, ये थोड़ा थोड़ा प्यार करे, ये थोड़ा थोड़ा प्यार करे, ये थोड़ा थोड़ा प्यार करे, थोड़ा थोड़ा प्यार करे। प्यार अपने मन से नहीं, जोग मुहूर्त से होता है। गऊ माता कह के गई है कि ये ब्याह आज से सातवें दिन ही होना शुभ है। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। अरे प्रभु कहाँ चले गए, अभी तो यहाँ थे। आज कमलेश्वर की आंखों में आंसू क्यों? कमलेश्वरी के काम पर। मेरे काम पर? हाँ, तुमने लाली के ब्याह का दिन क्यों धर दिया? सात दिन में खेत नहीं कटेगा, अनाज नहीं बिकेगा, तो ब्याह कैसे होगा? भगवान चाहे तो क्या नहीं होता। ठाकुर, ओए ठाकुर, ओए भटक भंडारी, पैसा ना कौड़ी बजरिया को दौड़ी। ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात इधर इधर। ओए ठाकुर, लाली के ब्याह में गांठ इसकी ढीली होगी या मेरी? ओए ठाकुर, इससे पूछो लाली इसकी बहन है या मेरी? ओए ठाकुर, बहन मेरी है, फिर इससे क्या पड़ी थी जो गौ माता से ढोल पिटवा दिया कि साथ में ही दिन ब्याह करना चंगा है। ओए ठाकुर, इसका दिया तुम खाते हो, मैं नहीं। इससे कह दो मुझे आँख न दिखा। हाँ, गौ माता ने कह दिया तो कह दिया, जो मानेगा सुख लुटेगा, नहीं मानेगा सिर फूटेगा। हाँ, छनक छना छन छन, छनक छना छन छन। ओए ठाकुर, तेरी ठना ठन तो इतना भी नहीं समझती कि सात दिन में ब्याह की तैयारी होगी कहाँ से। ओए ठाकुर, तुम्हारा धन्ना सेठ है या फटक चंद? गाँव में इसका कोई मोल नहीं है क्या? इसे उधार देने वाला कोई व्यापारी भी नहीं। ओए ओए ओए, ये तो सोचा ही नहीं, अब समझा। ओए ठाकुर, ले रोटी खा ले, कमली को भी खिला दे, भूखी ना रह जाए। और हाँ, तैयार रहना, लाली के साथ साथ तुम दोनों के ब्याह की भी ढोल तूतरी बजवा दूंगा। सुदामा के तंदूर से भी धन्ना की रुखी सुखी रोटी में अधिक आनंद आ रहा है ना? बिदूर के साग से भी अधिक। सेठ हरिदास जी, ये कच्चा सौदा कौन करे? हाँ राम जी, मल जी, कहीं खेतों में कीड़े लग गए या टिड़िया खा गई तो इतनी पूंजी कैसे लौटेगी? क्यों किसान जी? ठीक तो है भाई धन्ने, हम उधार नहीं दे सकते। सेठ राम जी मल, सेठ किसनलाल,
हरिदास तीनों ने मना कर दिया। अब क्या होगा, कैसे होगा? प्रभु, नौकर बनकर तो बहुत कुछ कर दिखाया, अब साहूकार बनकर दिखाइए। दिखाना ही पड़ेगा। सेठ राम जी, माल जी। महोदय जी। सेठ किशन लाल जी। महाशय जी। सेठ हरिदास जी। तुम धाम की बात ही क्यों सोचते हो? फूल पान से भी तो प्यार होता है। ये गहने हैं, इन्हें बेचकर जो मिलेगा उसी में सब कर लेंगे। लो। नहीं भैया, भाभी के गहने मत बेचो। रानी, ऐसे ही समय के लिए गहने रखे जाते हैं, आज नहीं तो कब काम आएंगे। अभी तो कह रही थी कि फूलपान से भी ब्याह होता है। भैया, मैं सूरज भगवान को साक्षी रखकर आप ही शामू का हाथ पकड़कर चली जाऊंगी। हाँ हाँ, उससे पहले गांव वालों को कह देना कि तेरा भाई धन्नाजात मर गया। जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। गौ माता लक्ष्मी रोते को हंसाती है, बिगड़ी बात को बनाती है, जिस द्वार पर चरण रखती है उस घर का कल्याण करती है। ओए कमली, फिर यहाँ? ओए मुझसे मुंह मत लड़ा, बात उधार उधार। अरे भाई धन्ना जाट, श्रीमान क्षमा करना। धन्ना धंधा में कुछ टोटा पड़ गया था, खोपड़ी गड़बड़ आ गई थी। तुम्हें बारात के लिए जो चाहिए जितना चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बेखटके ले जाना। बड़ी कृपा। अरे भाई धन्ना जाट घर में है क्या? शेर किशनलाल जी, हरिदास जी। हाँ भाई धन्ने, हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते। यहाँ के लिए जो जो गहने चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार। कपड़े भी जितने चाहिए ले आना। बड़ा उपकार, अनाज बिकते ही कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। कोई चिंता नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि। गौ माता, तुमने हमारी लाज रखी। ओए कमली, तेरी गैया चंगी है, पर ये तो बता इन तीनों व्यापारियों को किसने बनाया, कैसे आए? गौ माता लक्ष्मी कहती है, आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, होने वाला होता है। पियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्ने, मेरे धन्ने। अरे बहू लाली, अरे जब मत्ती फिर जाती है तो भूल हो ही जाती है। मैंने अपनी भूल मान ली, गौ माता ने भी मुझे क्षमा कर दिया, अब तुम सब भी मिलकर मुझे क्षमा कर दो। कर दो क्षमा, मिट गया मकर जंतर। तुम हुक्का गुड़गुड़ाओ जी, लाली का ब्याह सामूहिक के साथ धूमधाम से होगा। मैं और तुम्हारे चाचा दोनों साथ हैं बहू, ये तुम्हारे सब लक्ष्मी पाओ का प्रताप है। एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ओए ठाकुर, द्वारका नाची, उठाइए अब डेरा डंडा, चलिए अपने धाम। ऐसे कैसे चल दूं, नौकर हूँ, सेठ से छुट्टी तो ले लूं। आ? ओ ठाकुर, अरे जादूगर, कहाँ है मेरा शेर बबर? सोया हुआ है। अरे उठ मेरे शेर बबर। भैया, अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर। तू निकला गुरुओं का गुरु,
अरे तू निकला गुरुओं का गुरु, तेरा जवाब नहीं रे दिल पर। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबल, अरे वाह रे जादूगर। चुपके देकर झांसा, खूब मुझे तूने रे फांसा। चुपके चुपके देकर झांसा, खूब मुझे तूने रे फांसा। ओए लाला ओए लाला, सीखा है कहां से ये जंतर मंतर। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर। खाके रोटी रूखी सूखी, रख के अपनी अंतड़ियां भूखी। खाके रोटी रूखी सूखी, रख के अपनी अंतड़ियां भूखी। मुझको धन्ना सेठ बनाया, मुझको धन्ना सेठ बनाया, खुद बनकर नौकर। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर। लगता था तुम मुझे गड़बड़िया, काम किया पर तूने बढ़िया। लगता था तुम मुझे गड़बड़िया, काम किया पर तूने बढ़िया। ओए ठाकुर एहसान तेरा भूलूंगा न जीवन भर। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर। तू निकला गुरुओं का गुरु, तू निकला गुरुओं का गुरु, तेरा जवाब नहीं रे दिल पर। अरे वाह रे जादूगर, अरे वाह मेरे शेर बबर, अरे वाह रे जादूगर। ओए ठाकुर, कमली कहाँ है? वो तो डर के मारे चली गई। डर के मारे? हाँ, कहीं लाली के साथ साथ उसका भी ब्याह ना करा दो। वो चाहती है उसके ब्याह का बाजा उसके गांव में बजे। कौन सा गांव है उसका? द्वारकापुरी। वे 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 वे, तो तेरे गांव की है, तभी करती थी। ले खा के तू भी जा। जाऊं? पहले खा तो ले। वही खा लूंगा उसके साथ। चंगा चंगा, लाली के ब्याह पर कमली को लेके आ जा, और कहना डरे नहीं, उसका ब्याह यहाँ नहीं करूंगा। और हाँ, तेरे गांव में कोई नाच मंडली हो तो उसे भी लेके आ जा। हाँ हाँ, ले आऊंगा ले आऊंगा, पर ब्याह पर मुझे ठाकुर बाकुर मत बोलना। हाँ नहीं रे, द्वारका नाथ कहूंगा। पर तू जाएगा कैसे? पांव पांव चला जाऊंगा। वो चला नहीं जाएगा, थक जाएगा। चलने में तुमसे आगे रहूंगा भैया, द्वारकापुरी का हूं। हाँ ओए, देखू तो चल। चलो चल, आ आगे आ। मार गया मार गया, चला जा। Thank you.
चलो भाई जल्दी आ जाओ, आ जाओ। लाली के ब्याह में हमें अपने गांव की नाच मंडली भी ले जाना है ना। सोच रहा हूँ हमारे इस गांव में हम दोनों के सिवाय और कौन है। संसार को नचाने वाले आप स्वयं नाचे, शिव पार्वती ब्रह्म ब्रह्माणी इंद्र इंद्राणी सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दीजिए। देहाती बनकर नाचने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ साथ साथ ये भी लिख दीजिए कि सभी अभ्यास करके आए, कहीं ठाकुर द्वारका नाथ जी की नाक न कट जाए। विष्णु जी का निमंत्रण टाल नहीं सकते। तो बने देहाती नचनिया हैं? लगती हो पर्वतिया। सर्जन हार को पालन हार का साथ देना ही होगा। हाँ, लगता हूँ ना खिलौने वाला दादा। हाँ देखा देवराज, भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते। भगवान के लिए आप भी कुछ कर दिखाइए। लगते हैं गांव के मुखिया। और तो गांव की गोरी। हाँ अब जमेगी था मचेगी धूम रहेगी ना बिना दिन तक। Thank you.
नाचो नाचो हे सुंदर बाला, नाचो नाचो मुझंदर लाला, हो नाचो नाचो हे सुंदर बाला, नाचो नाचो मुझंदर लाला, नचा चा नाच नचाने बाला, नचा चा नाच नचाने बाला। अरे दुनिया हमारी तुम्हारी, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, चारों दिशा में सबको नचाए मदारी, सबको नचाए रे ये मदारी, अरे चोरी चोरी छिपे छिपे, हाय हाय चोरी चोरी छिपे छिपे, दूरी हिलाए ऐसे जादू पे बलिहारी, ऐसे जादूगर पे बलिहारी। अरे देखो करनी काम में आई।
फसल लहराई, झूमा खेत फसल लहराई। धन्य है ईश्वर धन्य किसाना, दोनों का जादू अब पहचाना। एक दया का सागर है तो, एक दया का सागर है, एक लोहे की चट्टान भाई। क्या किसान, क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों हैं महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों हैं महान, अपनी जगह दोनों हैं महान। जयराम जी की श्री राम जी मल जी, ये लो गिनके अपना चुपता कर लो। क्या मुझे लालची समझते हो? जो चुकता हो जाने के बाद भी मुझे बढ़ा दिखाते हो। चुकता किसने किया? तुम्हारे नौकर द्वारकानाथ ने। द्वारकानाथ ने? हाँ हाँ, द्वारकानाथ ने। अरे भाई धन्ना जान, कहाँ जा रहे हो? सेठ हरिदास जी तुम्हारे पास आ रहा था, ये लो भरपाई कर लो। मैं ब्याज ब्याज नहीं करता। हाँ, ब्याज खाने वाले को कौड़ी कौड़ी फूट कर निकलती है। ब्याज नहीं सेठ, मूलधन। तो कब का द्वारकानाथ चुका गया? द्वारकानाथ कहां से चुका गया? ये तो उसी से जाकर पूछ लो। अरे लौटा क्यों लाया? व्यापारियों का चुकता नहीं किया? नहीं, मैं द्वारकापुरी जा रहा हूँ। द्वारकापुरी? हाँ, ठाकुर द्वारकापुरी का है ना, उससे जाकर पूछूंगा कि व्यापारियों का उधार कहाँ से छुपाया। अरे पर तू द्वारकापुरी जाएगा कैसे? धन्ने, द्वारकापुरी कोस दो कोस नहीं, दो चार घर का टोला नहीं, बड़ी नगरी है, बड़ी दूर है। दूर हो या कुछ भी हो, मैं तो जाऊंगा द्वारकानाथ से पूछूंगा तो उसने मेरे लिए चोरी तो नहीं की। रास्ते का तो नहीं जानते, जाओगे कैसे? पूछ पूछ के। मत जा धन्ने, धन्ने। मान जा बेटे मान जा, बखर जंतर। कभी कभी ऐसी लीला करता भगवान रे, समझ न पाता इंसान रे, समझ न पाता इंसान रे। देख देख नाटक हरि का, दंग है जहान रे, समझ न पाता इंसान रे, समझ न पाता इंसान रे। प्रभु जी की मर्जी तो है ऐसी पहेली, कोई जिसे बूझ न पाए वो ही उलझाए भाई जिंदगी के धागे, और वही सुलझाए। समरथ साईं के हैं क्या क्या इरादे, कोई न सका है पहचान रे, समझ न पाता इंसान रे। कभी कभी ऐसी लीला करता भगवान रे, समझ न पाता इंसान रे, समझ न पाता इंसान रे। ए भाई, द्वारकापुरी यही है ना? हाँ हाँ। द्वारकानाथ कहाँ है? आगे आगे। जगदीश्वर के माथे से रक्त। धन्ना जाट द्वारकानाथ। अरे खड़ो यहां से,
स्वागत हो, स्वागत हो, ओ मेरे ठाकुर। ठाकुर द्वारकानाथ। ए माई, तू द्वारकानाथ को जानती है? ये तेरे सिर पे लहू। अच्छा बेटे आजा, आजा आजा, बैठ जा बैठ जा, ले पानी पी ले। मुझे द्वारकानाथ से मिलना है माई। हंसती क्यों है? ठाकुर के हाथ में चुटिया आई, लुटिया डूबी, कुटिया से भी गए। क्या बड़बड़ाती है? कान पड़पड़ाती हूँ बेटे। हाँ, ठाकुर पहले जी भर के अंगूठा चुमवाता है, फिर ऐसा अंगूठा दिखाता है कि जन्म भर अपनी अंगुली काटते रहो। क्यों उस चलिए के पीछे जीवन गवाता है बेटे? द्वारकानाथ के लिए प्राण भी दे सकता हूँ माई, जल्दी बताओ उसका घर। घर 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 उसका घर। हाँ, जम गया वहाँ बसेरा, रम गया वहाँ सवेरा, वो रहा उसका डेरा। हाँ हाँ, द्वारकानाथ, ओ द्वारकानाथ, 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 ठाकुर, ओ ठाकुर, ठाकुर, द्वारकानाथ, ठाकुर, ओ ठाकुर, ठाकुर, ओ ठाकुर, मैं यहाँ हूँ धन्ना सेठ। यही कहाँ? यहाँ द्वारका में इसी रूप में रहता हूँ। मेरे ठाकुर द्वारकानाथ। ओ ठाकुर, तू पूरा जादूगर है, पत्थर से मूरत बन गया, सूरत बदल ली, ऐसा क्यों ठाकुर? तूने साहूकारों का चुप्पा कर दिया, क्या मेरे लिए चोरी की? डाका डाला जो मुंह छुपा रहा है। ये तो भूल गया कि तू लजीला है। अब तू बता ठाकुर, तेरे पास तो कुछ था नहीं, फिर कहां से चुकाया? मैं किसी से नहीं कहूंगा, तेरी सौगंध, सच बता। धन देना कमली का काम है। कमली का? वो कहां से लाई जो आप ही हाथ झटकती भटकती थी? अभी उससे पूछेंगे, बता कमली का घर। चल। मैं चल नहीं सकता भैया। वह वही हुआ ना, मैंने तभी कहा था तुझसे चला नहीं जाएगा, बैठ गया ना थक के। अच्छा हाँ, तुझे कंधे पर बैठा के ले चलता हूँ, चल बैठ। नहीं चलना चाहता तो मैं भी नहीं मानूंगा, ठेस जात हूँ, यही सिर पटक पटक के मर जाऊंगा, पर तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। यहाँ कैसे आ गया? मैं तो द्वारकापुरी में था, ठाकुर के घर। ये कैसा जादू है? ओ ठाकुर, तू फिर पत्थर बन गया, अब मेरा काम नहीं करेगा, मुझसे रूठ गया है। ओए तस्कर त्रिलोचन, अब बता कहां गया वो तेरा मोहिनी मंत्र? प्रेमलता तो किसी दूसरे के गले से निपट गई। अरे सत्यानाश हो तेरा मुंह पिटास, ठाकुर की झूठी दुहाई दे दे के मेरा बच्चा भी खा गया। ना मेरा बच्चा निर्दयी। अरे कच्चा पक्का खिलाकर बच्चे को तूने ही मार डाला होगा और गले पड़ती है मेरे। तुमसे गला छुड़वाएगा पलटू पंडित, तूने मुझे भी कहा था ठाकुर को प्रसन्न कर, तो 4-6 महीने में बहू के पांव भारी देखेगी। अरे मुंह में खोद रहे,
नहीं खोलते फिरते ठाकुर। अरे आग लगे तेरा मुंह का मुंह झोंकते थे। हड़पा हुआ माल निकाल पंडित, नहीं तो भी तरह तुम मरने का था। मेरा भी रख दे ढोंगी। ला मेरा भी दे ढूंढा था। मुझे मारोगे तो मेरे ठाकुर एक एक से गिन गिन के बदला लेंगे, धर्म की बात है। अरे ठाकुर है कहाँ तेरे पास, तूने तो धन्ना काका को दे दिया। तब से तेरी बात भी चली गई पंडित। धन्ना ने पत्थर लेकर कौन सा पहाड़ उलट दिया? खेती कटने से पहले ही लाली के ब्याह का खर्चा क्या तेरे पितरों ने आके चुकाया? चुकाया होगा, धन्ना ने उधार उधार लेकर और नाम लेता ठाकुर का ठोकर। उधार लिया होता तो ठाकुर के पीछे भागा भागा धन्ना द्वारकापुरी नहीं गया होता। उस कुएं के मेढक धन्ने को पूरा पश्चिम का पता नहीं और जाएगा वो द्वारकापुरी। आ गया धन्ना द्वारकापुरी से। आ गया आ गया। ठाकुर का कुछ बातें कर रहा है। अरे धन्ना क्या ठाकुर से बातें करेगा, ठाकुर तो मेरे पास है। धन्ना झूठा है। झूठा तू है, लबार है, स्वार्थी है त्रिलोचन। तूने लालच में गाय लेकर ठाकुर को बेचा है। चुप रे मुंह पर। चुप क्यों रहे, हो जा सच्चे और झूठे की फर्क। ठाकुर तेरे पास है कि धन्ना काका के? कुछ बोल ठाकुर, बोलता क्यों नहीं, कुछ तो बता। जखमी एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। कमली, ओ कमली, देख तो द्वारकानाथ फिर पत्थर बन गया। ये तो जब जो चाहे बन जाए, ये शालिग्राम भगवान है, पत्थर नहीं। भगवान? कौन भगवान? जिन्होंने बिना खंभा आकाश खड़ा किया है, हवा में धरती टिकाई है, सारा संसार जिनका ध्यान करके नाम जप के भव सागर पार करता है, वही जीवन मरण के दाता, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु। भगवान विष्णु अपना ठाकुर? हाँ धन्ने, जिन्हें तुम ठाकुर नाम का किसान समझते रहे, जादूगर मानते रहे, जो तुम्हारी नौकरी करते रहे, वे भगवान विष्णु ही है, वे ही रामकृष्ण हरि भी है। सोचो तो, जो काम कभी किसी से नहीं हुआ, वो रातों रात भगवान के सिवा कौन कर सकता है? वही वही वही, ये तो सोचा ही नहीं। भगवान की इच्छा बिना ना उनके बारे में कोई सोच सकता, ना उन्हें समझ सकता। धन्ने, मैं तो गवार जाट हूँ कमली, तेरी लटपट बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं तो उतना ही समझता हूँ जितना देखता। तो देखो, मन की आंखें खोल के देखो, परखो भगवान शालिग्राम को। यही परम पावन भगवान विष्णु है धन्ने, यही मनुष्य पशु पंछी जीव जंतु सब का पालन करते हैं। ये सब के हैं, सर्वत्र हैं, एक में अनेक हैं। एक में अनेक कैसे? यही रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। इन्होंने भाई भाई के प्रेम का सच्चा रूप दिखाया। अग्नि परीक्षा में पवित्र निकलने पर भी अपनी पत्नी सीता जी का त्याग करके लोक सत्ता नारी समाज की मर्यादा बढ़ाई। राम राज में बाघ और बकरी ने एक घाट पानी पिया। पर द्वारकानाथ? वे भी यही है धन्ने, महाभारत के भगवान श्री कृष्ण। व्रत छोड़कर द्वारकापुरी जा बसे, तब से द्वारकानाथ कहलाए। इन्होंने पापियों को मारकर धरती का उद्धार किया, संसार को राधा जी के द्वारा पवित्र प्रेम का पाठ सिखलाया। गीता द्वारा ज्ञान देकर कर्म योगेश्वर ने कर्म को पहला स्थान दिया। ठाकुर का अर्थ है भगवान, इसलिए द्वारकानाथ को लोग ठाकुर कहते हैं। अपना ठाकुर? हाँ
ठाकुर मेरे प्रभु, ठाकुर मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्य मेरे दिए हुए पत्थर को मेरे ही रास्ते का रोड़ा बनाने चला है। पंडित मेरे ठाकुर को ठोकर मारता है। गांव वालों की आंखों में धूल मत झोंक धन्य, तुझसे पिंड छुड़ाने के लिए मिट्टी कूटने का पत्थर मैंने दिया था। पर मैंने तो किसी में पालनहार विष्णु, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कर्मयोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। पंडित ये पत्थर नहीं भगवान शालिग्राम है। झूठ, सरासर झूठ। भगवान शालिग्राम मेरे घर में है, ये पत्थर है, केवल पत्थर। पंडित भगवान के बारे में अंत खंड बोला तो तेरी खोपड़ी के खंड खंड कर दूंगा। मेरी बिल्ली उसी में, ए, इस पत्थर में तेरे भगवान है तो गांव वालों के सामने प्रमाण दे, नहीं तो फेंक दे इस पत्थर को। बराबर है धन्य, प्रमाण बिना माने कैसे, तेरा ठाकुर सच्चा है तो छोड़ दे तलाम में। डूब गया तो झूठा नहीं तो सच्चा। ओ धन्ना काका ही क्यों, पंडित भी अपना ठाकुर छोड़े तालाब में। पंडित ले चल पंडित। अच्छा अभी ले आता हूँ, अभी ले आता हूँ। धर्म की बात है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। सुना धन्ने को पत्थर में भगवान के दर्शन हुए। तुमको हुए, तुमको 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 दर्शन हुए तो फिर किसने देखा? कौन जानता धन्ना सच बोल रहा है या झूठ? धर्म की बात है। धन्ना कभी झूठ नहीं बोलता पंडित। कौन जाने पंडित, तूने पत्थर देकर धन्ना की खिल्ली उड़ाई है, अब वही पत्थर तेरी खिल्ली उड़ाता हूँ। तो उस पत्थर को गोल करके खट्टा ही मिटा दो। सुनो पालकी 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 और कालू का हाथ कंडा, पत्थर की अदला बदली। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। धन्ना भगवान की यात्रा तो पालकी में निकलती है, तू भी पधरा दे भगवान को इस पालकी में। हाँ धन्ना, भगवान को बड़े प्रेम से ले चलेंगे। हाँ हाँ पधरा दो। भगवान प्यारे भगवान प्यारे, अपने भक्त की लाज बचाना रे, आज अपने भक्त की लाज बचाना रे। हो मेरा किनारे जहाज लगाना रे भगवान प्यारे। जय राम कृष्ण जय हरि हरि, हरि हरि जय राम कृष्ण जय हरि हरि, हरि हरि। करने चली है दुरंगी दुनिया, कसौटी मेरी करने चली है दुरंगी दुनिया, आज कसौटी मेरी मेरे बहाने असल में हो रही प्रभु परीक्षा तेरी, प्रभु परीक्षा तेरी। ओ कपटी दुनिया पे गाज गिराना रे भगवान प्यारे। जय राम कृष्ण जय हरि हरि, हरि हरि जय राम कृष्ण जय हरि हरि, हरि हरि। भरोसे दांव लगाया
माया खेली मैंने बाजी अपने दास पे कृपा करना मत रखना नाराजी मत रखना नाराजी हो अपना प्यार न आज भुलाना रे भगवान प्यारे अपने भगत की लाज बचाना रे आज अपने भगत की लाज बचाना रे भगवान प्यारे नाम कृष्ण जय हरि 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 जय नाम कृष्ण जय हरि हरि जब जब भक्तों पे भीड़ पड़ी हरि हरि तब तब तूने ही पीर हरि 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 तूने तारे अजामिल और शबरी हरि 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 संकट में सबकी मदद करी भगवान प्यारे राम कृष्ण जय हरि हरि राम कृष्ण जय हरि भगवान प्यारे राम कृष्ण जय हरि हरि राम कृष्ण जय हरि भगवान प्यारे जय जय राम कृष्ण हरि अरे दर्दी को बचाओ चलो को बचाओ हां क्या क्या धन्ना झूठा मैंने तो पहले ही कहा था ये शालिग्राम नहीं पत्थर है पत्थर पंडित अब तू अपना ठाकुर छोड़ छोड़ता हूं छोड़ता हूं धर्म की बात भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम पंडित तू भी डूब कर अपना शालिग्राम ला जा आ? नहीं 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 जाता ये झूठा है ढोंगी है ठगला है इसे फेंक दो तलाब में फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो मजा Thank you.
बड़ी शान। ना पंडित पत्थर देते, ना मुझ जैसे जजाड़ को भगवान का ज्ञान होता। मेरे लिए पंडित जी को क्षमा करो भाई, क्षमा करो। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ धन्ना भगत, बचाओ धन्ना भगत, मुझे बचाओ। मैंने पत्थर पत्थर कर तुझे झूठा बनाना चाहा, मुझे अपनी करने का फल मिल गया। मुझ पर दया करो धन्ना भगत, दया करो, दया करो। भगवान पत्थर पत्थर में, पत्ते पत्ते में, कण कण में विराजमान है कालू। उन्हें ईर्ष्या द्वेष और कपट से नहीं, श्रद्धा विश्वास और प्रेम से जहां देखो वहीं पा सकते हो। वे एक जगह नहीं, एक के नहीं, सब जगह हैं, सब के हैं। धन्ना भगत, इस अधर्म को क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं, भगवान के साथ भी छल किया। मेरी कुटिलता ने मेरा सिर नीचा कर दिया। दया करो, क्षमा कर दो भगत। मैं भगत कैसा भाई, ना भक्ति जानू ना पूजा, मैं तो ठेठ मूर्ख। मूर्ख तुम नहीं, हम हैं जो तुम्हें पागल समझते रहे। तुमने तो मिट्टी कूटने वाले पत्थर में भगवान पा लिया। तुम धन हो भगत, तुम धन। मैं अपराधी हूँ प्रभु, 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 मैंने आपका घोर अपराध किया। आपको बैल के साथ जोत के पुरवट चलवाया, हल खिंचवाया, रूखी सूखी खिला के कुछ किसान का काम करवाया। मैं पापी हूँ, मुझे इन पापों का दंड दीजिए प्रभु, दंड दीजिए। धन्य पश्चाताप ना, तुमने कोई अपराध ना, कोई पाप। मैं ही तुम्हारे विश्वास और भोलेपन से विवश होकर किसान बना। किसान और भगवान में कोई भेद नहीं। किसान धरती में बीज बोता है और संसार जिसे भगवान कहता है वही फल देता है। किसान के साथ परिश्रम है और जहाँ परिश्रम है वही भगवान है। प्रभु द्वारकानाथ, इस जड़ जाट को आपका ज्ञान कहने वाली वो कमली कौन थी, कहाँ गई? जग में एक ही बात हरी, जय जय राम कृष्ण हरी। राधे प्रभु, मुरली मनोहर। द्वारकानाथ की जय।